किसान आंदोलन के समर्थन में बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी समेत प्रदेश भर के किसान नेताओं और खाप प्रतिनिधियों ने शिरकत की। राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर में आंदोलन को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं चडूनी ने कहा कि पीएम मोदी के एक कॉल का अभी भी इंतजार हो रहा है, लेकिन अब तक वो नंबर मिला ही नहीं जिस पर पीएम मोदी से बात हो सके। किसान आंदोलन के समर्थन में बहादुरगढ़ में दलाल खाप की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी समेत प्रदेश भर के किसान नेताओं और खाप प्रतिनिधियों ने शिरकत की। किसान महापंचायत में पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर में किसानों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन हो रहा है। ये पंचायतें किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रही हैं। अब आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। जो कच्चे मोर्चे राजधानी दिल्ली की सड़कों पर किसानों ने बनाए थे, अब उन्हें पक्का किया जाएगा। उन्होंने किसानों से पैदल मार्च के लिए भी तैयार रहने की अपील की। राकेश टिकैत का कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से भी ये ऐलान किया जाएगा और उसका पालन सभी को करना है। कानून में सफेद क्या है वो बताओ, वे कौन से अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो काला है वो सफेद बताओ क्या क्या है। पूरे देश में जाएंगे हम, पूरे देश में, पूरे देश में ऐसी पंचायत पंचायत करेंगे और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमारी बात मान ले, बात मान ले, MSP पे कानून बनेगा आगे की अब क्या रणनीति होगी? और हम तो यही रहेंगे, हम क्या कहीं जा रहे हैं, यही रोटी बनाऊंगे, यही खाऊंगे, यही रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। MSP को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर भी किसान नेताओं ने निशाना साधा। किसान नेताओं का कहना है MSP को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। जो MSP से कम पर फसल खरीदे उसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार MSP पर लिखित में गारंटी दे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कॉल की दूरी वाले बयान पर भी किसानों ने निशाना साधा। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने वह नंबर ही नहीं दिया जिस पर कॉल करना है। किसान नेता कई बार मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बातचीत ही नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के साथ मजाक किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार से, नमन करता हूँ कि इनका समाधान निकालना चाहिए। देश के राजा को प्रजा का समाधान निकालना है। आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको देश की कुर्सी सौंपी है, इसको हमारे बारे में सोचना चाहिए और किसानों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं प्रार्थना किसान मांगी को से जरूर करूंगा कि एकता बनाए रखना। हम उस कौन से आते हैं कि हमारे पहले एक आंदोलन हुआ था और आंदोलन होते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा हमारे बीच में आदमी ना घुसे जो हमारे आंदोलन को खराब कर दे। किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन में घुसने वाले असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। योगेंद्र सैनी, टोटल न्यूज, बहादुरगढ़।